डंडे सोते आना और नाल लेके अपने पैर घर पहुंचो। पिंड दे एक गुरु घर दे विचों अजिही विवादत अनाउंसमेंट हुई जिस दे नाल कईयां दे हिरदे बलुंदरे गए। यह अनाउंसमेंट पिंड दे धनाड लोगों के वलों ग्रंथी सिंह तो करवाई गई, जिस दे विच उन्हां ने कहा कि दलित भाईचारे का पूर्ण तौर पर बाइकाट किया जाए, जिस नूं लैके दलित भाईचारे के लोगों के काफ़ी ज़्यादा रोस आ। पंजाब दे एक पिंड दे विच यह नवां मामला सामने आया, जिस दे विच एक धनाड वर्ग के वलों दलित भाईचारे के लोगों को निशाना बना के उन्होंने समाजिक बाइकाट किया गया। तुहानू दस दिंदे आ कि पंजाब दे ए पिंड आ पंजाब दा, उस दे विच अनाउंसमेंट हुई जिस दे नाल पूरा पिंड दो धड़ियां दे विच वंडिया गया, एक पासे धनाड़ लोग तो दूजे पासे दलित भाईचारा। दिल तो उदों सब दे बलुंदरे गए जदों धनाड़ लोगों के वलों दलित भाईचारे का पूर्ण तौर पर बाइकाट किया गया। इस बारे पिंड दे गुरु घर दे विचों बकायदा अनाउंसमेंट की, जिस दे विच ग्रंथी सिंह ने कहा कि लोग ने जिहड़े डांगा सोटे लैके पंचायत घर दे विच आउण की। आओ तुहानू पहलां पूरा मामला दसण तो पहलां वो अनाउंसमेंट सुना दिंदे आ। आप सारे पंचायत घर विच 7:30 बजे इकट्ठे होण लई सद्दा दित्ता गया है। सो सारे माई भाई बीबियां भैणां बाल बजुर्ग नौजवान सब पंचायत घर विच 7:30 बजे इकट्ठे हो। नाल ही यह भी बेनती की गई है कि आप अपनी सिक्योरिटी का प्रबंध करके आना, नाल जो भी आपको दिखा सकता कोई डंडे सोटे हैं और नाल लेके पंचायत घर में पहुंचो 7:30 बजे। सब फिर बेनती है सरपंच साहब सरदार बलविंदर सिंह समूह ग्राम पंचायत वालों नागर के सारे लवाणा बरादरी ये सारे माई भाई बीबिया भैन नौजवान बच्चे बजुर्ग बाल सब पंचायत घर विच 7:30 बजे इकट्ठे होने का तुम सदा है ग्राम पंचायत वालों। नाल ये भी बेनती है कि आप अपनी सिक्योरिटी का नाल प्रबंध करके आना, जो भी तुम चंगा समझते हो अपनी सिक्योरिटी वास्ते अपनी हिफाजत वास्ते अपना अपना प्रबंध नाल लैके आना। जिला गुरदासपुर के ब्लाक टांडा के पिंड बैंस अवाण की यह घटना, जिथे दलित भाईचारे का बाइकाट किया गया, बकायदा अनाउंसमेंट गुरु घर के विचों की गई, जिस गुरु घर के विच सांझी बालता का संदेश दिता जाता, उस गुरु घर के विचों ही इस तरह की अनाउंसमेंट होना बहुत ज़्यादा मंदभागा। जिथे एक पासे असी किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाने तो दूजे पासे हाले भी जाति वितकरा पिंडां दे विच ज्यौंदा त्यों ही बरकरार आ। दूजे पासे इस मामले का जदों दलित भाईचारे के लोगों को पता चलिया तो उन्होंने रोस की लहर पैदा हो गई। मैं बलजीत कौर पिंड बैंस अवाल मेरे बेटे की किसी दूसरी पार्टी के बच्चों की मामूली लड़ाई हुई है। उस तो बाद इन्होंने सानू फरमान जारी कर दिता कि वाल्मीकि समाज ते रविदासिया भाईचारा ये नहीं क्या चमारा तो चूड़िया चुत्तिया कहते इतने रह नहीं देवे। ये साडा फरमान है जेड़ा कोई टेलर की दुकान पर जाऊगा उन्होंने 5,000 रुपया जुर्माना, जेड़ा कोई वाल्मीकि समाज चो चूड़िया कहते कि साडे घर च काम करना आने उन्होंने 10,000 रुपया डन आ। साडी प्रशासन तो इन्नी मंग आ बनती कारवाई की जाए निके सरपंच से पर्चा किया जाए। बिठा के बहुत वधिया जिहड़ा मसला सीगा लड़ाई का हल हो सकता सी, पर नहीं साडी पंचायत ने इस तरह नहीं किया, सगों के दो परिवारों का जिहड़ा मसला सीगा दो जातियां दे विच वंड दित्ता।
एक उच्च जाति दे विच और एक नीवी जाति दे विच। नीवी जाति दे विच एससी बीसी कर दिता गया। हुण साडे असी एससी समाज दे नाल संबंध रखदे आ, जिहदे विच सानू चूड़े कुत्ते कह के बुलाउंदे आ। कोई भी गल करदे आ ते इही गल कहिंदे इन्हां चूड़ा कुत्तिआं नूं नहीं छड़ना, हुण नहीं छड़ना। गुरुद्वारे दे विच अलॉसमेंट कर दित्ती जांदी आ, जिहदे विच इह कह दित्ता जांदा है कि इन्हां दे चूड़िआं दा जिहड़ा बाईकाट एससी समाज दा बिल्कुल कर दित्ता जावे। और उहदे विच इह वी कह दित्ता जांदा है कि अगर इह भैण जी हुणी टेलर दी दुकान खोलदे आ, जिहड़ा इन्हां दे कोल जाएगा सूट समान उहनां नूं 5000 रुपया जुर्माना कीता जाएगा। और अगर एससी समाज दा कोई बंदा इन्हां दे घरां विच काम करन जांदा तां उस नूं 10000 रुपया जुर्माना लाया जाएगा। तो और गुरद्वारे जाएगा कोई मत्था टेकन साडी बरादरी का तो उस नूं 5000 रुपया जुर्माना हैगा जी, ठीक है जी। और इत्थों तक कि सानू महाराज का सरूप जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब आग्या नहीं हैगी सानू भी असी अपने घरां दे विच अगर कोई खंड पाठ कराउणा चाहुंदे, सानू इजाजत नहीं हैगी कि असी अपने पिंड बैंसवान तो जिहड़ा महाराज का सरूप हैगा वह अपने घर ले आ सकते हैं। असी प्रशासन कोलों यही मंग करते हैं कि साडा जिहड़ा माण सन्मान आ बाकी पिंडां वांग साडे पिंड विच वी साडा पूरा माण सन्मान होवे, और मंग करते हैं कि साडे नाल इंसाफ किया जाए जी। मैं पंजाब प्रधान भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा दा कुछ 4-5 दिन पहला बैंसवान दे विच दो परिवारां विच झगड़ा हुंदा, और उह झगड़े दा मामला सुलझाउण दी बजाए कुछ उच्च जाति दे वर्ग इत्थों इह साधू टप गए कि एक जातिवाद दलित दा और जिहड़ा उच्च जाति दा जिहड़ा पाड़ा वधाउण दी कोशिश और कीती भी कित्थे गई। जिन्हां गुरुआं ने बाणी दा फरमान है कि मानस की जात सभे एके पहचानवो, उस श्री गुरुद्वारा साहब दे विच इह अनाउंसमेंट कीती जांदी है जिथों सानू इह संदेशा मिलदा कि इह आपां सारे बराबर हां समता दा, उत्थे इह अनाउंसमेंट कीती जांदी है कि आपां सारे एकमुट हो के उच्च जाति दे वर्गे करदे कि जिहड़े इह दब्बे कुचले दलित लोग आ इहनां नूं दबाउण दी कोशिश कीती, और अनाउंसमेंट कीती है कि इहनां दा समाजिक सोशल बाईकाट कीता जावे। मैं समझना इस तो ज़्यादा घटने जिहड़ी निंदनीय घटना वो हो नहीं सकती, क्योंकि पंजाब दे विच पहला ही कदे किसी दलित नूं पिशाब पिलाया जांदा। असीं इह मंग करदे प्रशासन कोलों कि तुरंत जिन्हां ने जातिवाद नूं बढ़ावा दिता आ गुरद्वारा साहब जिथे सांझी बालता की गल होनी चाहीदी आ उत्थे एससी समाज नूं बाईकाट करन दी गल कीती जा रही आ, और साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इस जात पात का जिहड़ा वह खंडन किया खालसा सरजना करके उत्थे जिहड़ा सारिया जातां पातां नूं खत्म करके सभे सांझी बाल सदाऊं कोई ना दिसे बारा जियो इहो जिहा खालसा सरजन की जिहड़ा वह प्रेरणा दित्ती सी उस गुरु घरां दे विच्चों, इहो जे ऐसी समाज वास्ते हुक्म जारी हो रहे हैं कि इन्हों का बाईकाट किया जाए, एदू घटिया जड़ी जड़ा हरकत की हो सकती है। दस दिए कि दलित भाईचारे का एक नौजवान अते एक जिमीदार नौजवान आपस के भिड़ जाते हैं, जिस तों बाद उन्हां दी लड़ाई हो जाती है, मामूली तकरार इन्ना बढ़ जाता कि उन्हां लोकां दे वलों धनाड़ लोगों के वलों पूरे दलित भाईचारे का पूर्ण तौर पर बाईकाट कर दिता जाता। दस दिए कि हुशियारपुर के ब्लाक टांडा उर्मड़ अधीन पेंदे पिंड बांस अवान की एक घटना बैंस अवान की एक घटना जिथे दलित भाईचारे और पिंड की पंचायत समेत उच्च भाईचारे के लोगों ने मामूली तकरार लैके पूरा पिंड दो धड़िया के वंड दिता। दलित भाईचारे के लोगों का कहना है कि जिन्हां अंसर ने गुरु घर के अनाउंसमेंट करवाई गई जा जिन्हां अंसरां दे वल्लों इस घटना नूं मंदभागी घटना नूं अंजाम दवाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहीदी आ, बकायदा एससी एसटी एक्ट अधीन जिहड़ा मामला दर्ज होना चाहीदा। दस दिए कि यह पिंड दे विच पहली बार नहीं होया, इस तों इलावा पंजाब दे होर पिंडां दे विच भी दलित भाईचारे का पूर्ण तौर पर बाईकाट हुंदा जो कई तरह के सवाल खड़े करदा, जिथे एक पासे किसानी अंदोलन पूरे जोरां ते आ, हमेशा ही किसानी अंदोलन दे विच आपसी भाईचारियां नूं मिलाउण दी गल कही जा रही है, क्योंकि किसानी अंदोलन दे विच हर वर्ग अते हर किते नाल जुड़े लोगों का पूर्ण सहयोग आ, हमेशा ही उत्थों भाईचारे की गल आ जिहड़ी उह कीती जांदी आ। पर जे गल करिए पिंडां दी जां जमीनी हकीकत दी तां अज भी जाति वितकरा पूर्ण तौर पर पब्बा पारा पूर्ण तौर पर कायम आ। हाले भी पंजाब दे कई पिंडां दे विच दलित भाईचारे नूं निशाना बना के उन्हां दा समाजिक तौर पर बाईकाट किया जाता जो कई तरह के सवाल खड़े करदा। फिलहाल इस मामले के दलित भाईचारे के लोगों के वलों
पुलिस नू इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। जदों इस घटना का पुलिस नू पता चलता तो पुलिस आ जिहड़ी वह भी मौके पर पिंड दे विच चप्पे चप्पे ते तैनात हो जाती है ता कि किसी अणसुखावी घटना नू अंजाम ना दिता जा सके। पर यह पंजाब की त्रासदी है कि एक पासे जिथे असी किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाने तो दूजे पासे जमीनी धरातल से इस तरह घटनावां कई तरह के सवाल खड़े कर दिया ने, जिथे दलित भाईचारे के लोगों निशाना बना के उन्होंने हमेशा ही थले धकेलिया जाता। पुलिस को चाहिए है कि इस मामले की हर पक्षों जांच पड़ताल की जाए और आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसया जाए ता जो पिंड का भाईचारा एक बार फिर तो कायम हो सके।